तो मैं हूं कुलजीत और आज आप देख रहे हैं जुगनूलाइट चैनल। दोस्तों आज गल करते हैं टाइप्स ऑफ बैड के बारे, जो नर्सिंग दे बच्चों लिए क्वेश्चन होता है। बैड के टाइप्स ऑफ बैड, बिस्तरों के प्रकार केड़े-केड़े बैड होंगे ने, ये 10 तरह के बिस्तरे हस्पतालों के वरते जाते हैं। गल करते हैं क्लोजिंग बैड, ओपनिंग बैड, एडमिशन बैड, ऑक्यूपेड बैड, फ्रैक्चर बैड, ऑपरेशन बैड, कार्डिक बैड, एम्टूनेशन बैड, स्पूटम बैड और डाइवर्ट बैड, ये सारे एक ही होंगे। ब्लैंकेट बैड्स, टर्निंग ऑफ चेंजिंग द मैट्रस ऑफ बैड राइडर, ये सारे बैड हैं। थोड़ा जहाँ इन्हों के बारे विस्तार नाल गल करते हैं। क्लोजिंग बैड की होंगे है, खाली जां बंद बिस्तर। क्लोजिंग बैड होंगे है खाली जां बंद बिस्तर। बंद बिस्तर एक खाली बिस्तर होंगे है जिस विच बैड स्पेट इस तरह नाल व्यवस्थित तौर पर विछाया होंगे है कि उसके हेठा सारे कपड़े मरीज दे आउण तक धूड़ अते गंदगी तो पूरी तरह सुरक्षित रहिंदे हन। रोगी दे भर्ती होण ते खाली जां बंद बिस्तरे खुले जां भरे हुए बिस्तरे विच बदल दिता जांदा है। बैड स्प्रेड नूं कंबल दे हेठा कफ कर दिता जांदा है ते उस दे उपर दूजे कफ दे तौर ते उपर दी चादर विछा दित्ती जांदी है। ये है क्लोज बैड। नैक्सट इज़ द ओपन बैड। ओपन बैड की होंदा है, ओपन बैड बिस्तरे दे उस बैड लई वरत्या जांदा है जेड़ा रोगी द्वारा भरिया जाण वाला है जां उस दे रोगी आउण वाला है। उस नूं जां तां किसी नवे रोगी लई तैयार करदे हन जां चलण फिरन विच असमर्थ मरीज लई तैयार करदे हन। जदों पैट नूं ट्रे ट्रॉली विच बैड दे स्थानिक करदे हन तद उपर दी चादर नूं फैला के बैड दे पाइताने वाल मोड़ दिता जाता है जां बिस्तर दी एक बांह मोड़ दिंदे हन। अगे आ गया नैक्सट इज़ द एडमिशन बैड। एडमिशन बैड की होंदा है, दाखल बिस्तर भी बोल दिंदे इहनूं पंजाबी दे विच। जेकर बस हस्पताल विच ड्रैस पहनण दी व्यवस्था होवे तां उस नूं पहन के बिस्तर विच प्रवेश करदा है, ये होंदा एडमिशन। कई हस्पतालों विच देखिया होवेगा कि पेशेंटा दे ड्रैस पाई जाती है तो उस बिस्तर नूं की कहा जाता है, एडमिशन बैड। ऑक्यूपेशनल बैड भरिया होया बिस्तर इसनूं कहा जाता है। अजिहे बिस्तर नूं तैयार करना जिस विच पैट पहलां तो ही मौजूद होवे, इसनूं अजिहे पैट लई तैयार किया जाता है जो बिस्तर नूं उतारन विच समर्थ होवे, भाव पूरी तरह बिस्तर ग्रस्त है। बिस्तर तैयार करन लई पैट तो बाद विच देखभाल दी प्रक्रिया खुले बिस्तर वांग ही रहिंदी है। नैक्सट इज़ द फ्रैक्चर। फ्रैक्चर बैड। फ्रैक्चर बैड की होंदा है, इस दी वरतों अजिहे पैड नूं ठोस आधार ते प्रदान करन लई कीती जांदी है जिहड़े शरीर दे मुख हिस्से जां हथ पैरां दी कोई हड्डी टुट्टी होवे उसनूं फ्रैक्चर जां बोर्ड बैड भी कहा जाता है। अगे आ गया ऑपरेशन बैड जां पोस्ट एंट्रैक्टेड बैड ऑफ द कवर्ड बैड। इस बिस्तर उत्ते पैड लई तैयार किया है जो ऑपरेशन तो बाद एनास्थीसिया के प्रभावों तो मुक्त हो रहा है। एनास्थीसिया की होंदा, बेहोशी होंदी है एनास्थीसिया। उद्देश की है, निश्चेतना के प्रभावों तो मुक्त हो रहे पैट लई, पैट का मतलब पेशेंट है, अजिहा बैड तैयार करना है जो आरामदायक अते सुरक्षक होवे, जिसे किसी भी एमरजेंसी तो निजिठण लई तैयारी रखना, गर्मी प्रदान करना, गद्दियां ते सराहणियां नूं सुरक्षक रखण ते आम रखना ते लोड़ अनुसार फिर तो जमाउणा। पैट नूं अंगली तो छेती निर्धारित करना अते बिना समा नष्ट कीते उसकी संभाल करना। अगे आ गया कार्डिक बैड। कार्डिक बैड की होंदा है, इस तरह के बिस्तर की वरतों घट तो घट जोर लगा के वध तो वध आराम की स्थिति में बैठन की सहायता करने लई कीता जांदा है।
ਗਾਰਡਿਕ ਬੈੱਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚੱਲ ਬੈਠਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਡਿਕ ਬੈੱਡ ਕਾਰਡੀ ਬੈੱਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਕਸ਼ਟਪੂਰਵਕ ਸਾਹ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਾਰਡਿਕ ਬੈੱਡ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਇਸ ਦਾ ਸਪੂਟਮ ਬੈੱਡ ਇਸ ਦਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬੈੱਡ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੱਤ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਬੈੱਡ ਚਾਦਰਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟੰਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਟੰਪ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਸਾਓ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਕਤ ਬੰਧਨ ਜਾਂ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬੈੱਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਦਾ ਬਲੈਂਕਿਟ ਬੈੱਡ ਬਲੈਂਕਿਟ ਬੈੱਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਮ ਵਾਤ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਲੈਂਕਿਟ ਬੈੱਡ ਦੇ ਦਰਦ ਯੁਕਤ ਜੋੜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਮੜੀ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸਰਜਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਦਾ ਟਰਨਿੰਗ ਆਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦਾ ਮੈਟਰਸਟ ਆਫ ਬੈੱਡ ਰਿਡਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗੱਦੀ ਪਲਟਣ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਠਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਸਤਰ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਿੱਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਕ ਹੋਵੇ ਤਦ ਮੂਤਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਬਦਲਣਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਥੰਬਸ ਅਪ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ ਬਾਏ ਬਾਏ ਦੋਸਤੋ